करें? जल्दी से एक गैजेट उस डांसर को लगा देता है। हाँ चिट्टू चल, वैसे भी मोंटू बॉस को डॉगी डांस करते करते उनकी हालत खराब हो गई होगी। हमने वो मोंटू बॉस का डॉगी डांस मिस कर दिया यार। बड़ा मजा आता है जब मोंटू बॉस डॉगी डांस करते हैं। हो गया तेरा? अरे वो तो अच्छा हुआ हम मोंटू बॉस के सामने नहीं था, वरना वो हमको मार मार के हमारा डांस निकाल देता। हाँ यार चिट्टू, ये तो सही बात बोलो तू। अब टाइम बचाने के लिए ये गैजेट तू ही ऑन कर ले और तू ही डांस करना शुरू कर दे। हम ऐसा ही करेगा, चल उतर। ओ गॉड मोंटू, ओ गॉड मोंटू, नहीं मोनिका, ओ डॉग मोंटू। मुझे मुक्का डांस भी आता है, दिखाओ। मोनिका सॉरी, मुझे अच्छा डांस आता है, पता नहीं क्या हो गया, पर तुम टेंशन मत लो, मैं कल इससे भी अच्छी प्रैक्टिस करके आऊंगा। हाँ ए चिट्टू, तेरे को जब बोला डांस करना शुरू कर दे तो करना डांस शुरू। अभी करता डांस शुरू। हे हे हां, वेरी गुड, या या वेरी गुड। लो फिर से शुरू हो गया, पहले तो डॉगी डांस था, अभी मंकी डांस। मोंटू मंकी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड चिट्टू, वेरी गुड। ए मोनिका, वो क्या है ना, मैं तो बस ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था कल के लिए वार्म अप रिहर्सल। हाँ वो ये क्या किया तूने? गैजेट कैसे लाएंगे? मीना ने ये सोच कि मोंटू बॉस डांसर से बॉक्सर बन जाएगा। फिर बाबा सब गड़बड़ हो गया। चुप, साइलेंट हो जाओ वरना मोंटू आइलैंड हो जाएगा।
सुमित्रा तुम ठीक तो हो ना? हाँ बाल सके। दानव बहुत ही गुस्से में, ये हमें कभी भी पांचवें दौर तक नहीं पहुंचने देगा। अरे पांचवें दौर की छोड़ो, पहले ये सोचो कि हम यहाँ से जीवित भी जा पाएंगे या नहीं। सबकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। अगर मुझे इस दानव को हराना है तो मुझे इसकी कमजोरी को ढूंढना होगा। इसका मतलब इस दानव के कारण इसकी शक्ति है और इसकी कमजोरी भी। इसलिए अगर इस दानव पर कोई शस्त्र काम करेगा तो वो है शोर। हे रानी परी, दो जीत का मंत्र आ जाए मेरे पास ध्वनि यंत्र। बॉक्सर से गैजेट लेते। हाँ नहीं नहीं नहीं, तू चला जा, ये मुझे बहुत खतरनाक लगता है। अबे चल चिट्टू चल। नहीं चलना है। डॉक्टर भैया। माइंटे, ये क्या कर रहे हो? अरे रुक क्यों गए? अरे कंटिन्यू। वाह वाह। बॉक्सर भैया, हमें ना वो चाहिए, वो क्या ईश्वर चाहिए? अभी देता हूँ। पता नहीं बेवकूफ उस गैजेट से क्या किए जा रहे हैं। ऐसे मोनिका इंप्रेस होने के बजाय डिप्रेस हो जाएगी। सर, मोंटू ने आपकी दोनों आंखें काली कर दी। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। रोहित, कैसे? चल, अरे चलो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मंडल। सॉरी सर। सॉरी सर। मेरा सोचना सही था, इसके कान ही इसकी कमजोरी है और इसीलिए अब मैं सीधा इसके कान पर ही वार करूंगा। Yeah!
बालमित्र, बालमित्र होश में आओ। ये दाना तो हमारे पास गिर रहा है बालमित्र। तुम्हें इस दानव को अपनी शक्ति से स्थिर करना होगा। उठो। इस बार तो हम जैसे तैसे बच गए बालवीर, लेकिन आगे कौन सी मुसीबत मिलेगी ये हम कह नहीं सकते। मुसीबत चाहे कितने भी बड़े क्यों ना, लेकिन हम तीनों उसका डटकर सामना करेंगे और परीलोक में प्रवेश करके ही रहेंगे। शेर मंटू की शरारतें बढ़ती जा रही है सर। ये तो पूरा स्कूल जानता है, कोई नई बात बताइए। हसमत पर सर, इस बार तो इसने हद कर दी सर। ये देखिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं है मतलब ये तुम्हारी हद नहीं है, तुम्हारी शरारत और बढ़ेगी, मतलब तुम मुझे और मारोगे। नहीं सर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था सर? मेरा मतलब तो ये है सर, मैं ना मोनिका को मोनिका का नाम बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें सर से माफी मांगनी चाहिए। नहीं 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 सर, माफी वाफी से कुछ नहीं होने वाला, इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए सर। सर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं ये कैसे हो गया, वरना मैं तो एक मोटा सा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूँ सर। छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मोंटू। हाँ सर। शट अप। आजकल मुझे तुम्हारी बहुत कंप्लेंट्स आने लगी है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। बेचारे मोंटू बॉस का इम्प्रेशन बॉक्सर बन के मोनिका के सामने तो एकदम खराब हो गया होगा। हाँ तो हम दोबारा ठीक कर देता है, हम इस गैजेट को वापस डांसर बाजार पे लगा देता है। डांसर भैया अब ये गैजेट आप फिर से लगा लीजिए। हाँ इस बार एकदम तड़कते भड़कते गाने पे डांस करना। हाँ मजा आएगा मोंटू बॉस को। मैंने जानबूझकर नहीं किया सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर आप सुनना नहीं चाहते तो मैं गाकर सुनाता हूँ। What? गाकर समझाता हूँ। Mind it, shut up! तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। सर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे इस बार के लिए माफ कर दीजिए, वरना मुझे मेरे पापा को बुलाना पड़ेगा। जो स्कूल के ट्रस्टी है अभी बुलाते। नहीं, 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 नहीं बेटा, नो पापा, नो पापा। पर सर ये अरे नो पापा यार, नो पापा, नो पापा। हाँ गुड बॉय, गुड बॉय। देखो देखो इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ हाँ, लेकिन अगली बार से सर की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। ओके ओके सर, नहीं कंप्लेंट आएगी। देखो कितना प्यारा, कितना क्यूट बच्चा है ना। प्यारा है, प्यारा बच्चा है हाँ। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, Yeah!
बिल्कुल परीलोक के पुराने द्वारों जैसा है, यानी परीलोक में प्रवेश करने का यही पांचवा द्वार है। तो फिर देर किस बात की बारवी, चलो जल्दी से प्रवेश करते हैं परीलोक में। के मजबूत इरादों की उड़ान बड़े से बड़े खाई को पार कर सकती है। हाँ, अगर हम इसे चलकर नहीं तो उड़कर इस खाई को पार करेंगे। बाजी, हम तो उड़ नहीं पा रहे हैं। लगता है हमारी जादुई शक्ति यहाँ पर काम नहीं कर रही है और इसलिए यहाँ पर ये खाई बनाई गई है ताकि हम पांचवें द्वार तक ना पहुंच पाए। तो अब हम पांचवें द्वार तक कैसे पहुंचेंगे बालवीर? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।